रूस और यूक्रेन के बीच करीब 17 महीनों से चल रहे युद्ध में हर रोज नए नए मोड़ और चुनौतियां आ रही हैं। पहले तो पुतिन ने यह तय किया था कि यूक्रेन को मिट्टी में मिला देंगे और शुरुआती हमलों में ऐसा लगा भी, लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन भी टक्कर का मुकाबला देने लगा। नाटो देशों से मिलने वाले रणनीतिक सहयोग ने इसकी ताकत को और बढ़ा दिया। बावजूद इसके ये बता पाना मुश्किल लग रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर स्थिति में है। घातक हथियार हो या तकनीक, दोनों देश इनका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी में एक नाम है FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का। नाटो की तरफ से यूक्रेन को मिले ये ड्रोन्स रूस की सेना में जमकर तबाही मचा रहे हैं। एक तरफ जहां रूस यूक्रेनी इलाकों पर मिसाइल से हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेनी पलटवार के लिए लगातार ड्रोन का सहारा ले रहा है। जिस तरह से इसके जरिए तबाही मची हुई थी, इसको लेकर रूस शुरू से ही सतर्क रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इन ड्रोन्स के हमलों से रूस को बार बार नुकसान उठाना पड़ता रहा है। नई तकनीक का सहारा लेते हुए अब रूस ने इससे बचने का एक रास्ता इजाद करने का दावा किया है। इस घातक FPV ड्रोन से अपने टैंकों को बचाने के लिए रूस ने इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम का खुलासा किया है। ये डिफेंस सिस्टम इस तरह से तैयार किए गए हैं जो ड्रोन की तेजी पर लगाम लगाएंगे और इसके टैंकरों पर हो रहे ड्रोन हमले से इसे बचाएंगे। इन ड्रोन्स के खिलाफ कोई हथियार विकसित करने में रूस की कोशिश जारी थी और नए नए प्रयोग भी किए जा रहे थे जो अब सफल हुए हैं। ट्राइटन नाम की ये इलेक्ट्रॉनिक रक्षा प्रणाली संभवतः रूसी टैंकों के लिए काफी मददगार साबित हो। रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइटन को पहली बार रूसी टैंक के साथ मर्ज किया गया है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है जो FPV ड्रोन से इसे सुरक्षित बचा सके। हाल ही में आर्मी 2023 फोरम के दौरान रूसी रक्षा मंत्रालय के हथियार सहित वाहनों की प्रदर्शनी में एक टैंक पर ट्राइटन इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली का एक मॉडल प्रदर्शित किया गया था और इसी को अब रूस प्रयोग में लाने की बात कर रहा है। इसमें ऐसी तकनीक है जो FPV ड्रोन के नियंत्रण चैनलों और डेटा ट्रांसमिशन को बाधित कर देगी। ट्राइटन के संचालन को भी आसान रखा गया है। इसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है। बदलते वक्त में लड़ाई के हथियार भी जरूरत के मुताबिक बदलते रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, उसी तरह से कभी द्वितीय विश्व युद्ध के समय फाइटर जेट थे। उस समय फाइटर जेट निर्णायक भूमिका में थे। ऐसे ही एक समय वो भी था जब टैंक सबसे अहम माने जाते थे। अगर किसी देश की सेना के पास टैंक नहीं है तो उसकी ताकत कमतर आकी जाती थी। आज के समय के युद्ध में ड्रोन की ताकतवर भूमिका नजर आ रही है, जिससे परेशान होकर ही रूस ने ये कदम उठाया है। देखते हैं कि उसका ये तकनीकी कदम युद्ध में उसके लिए कितना मददगार साबित होता है।